उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की प्रांतीय कार्य समिति की बैठक हाथरस में हुई संपन्न। बैठक में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी रहे मौजूद। बैठक में प्रमुख रूप से ऑनलाइन मार्केटिंग से खुदरा व्यापार करने वाले छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर भी चर्चा की गई। बैठक में आए हुए सभी व्यापारियों का धन्यवाद ज्ञापित अनुभव अग्रवाल एवं मदन मोहन अपना वाले द्वारा किया गया। नोटिफिकेशन भी आया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अब मैं आपसे आगे के लिए भी आग्रह करूंगा, 19, 20, 21, 22 के भी नोटिस हम सब व्यापारी भाइयों पर आ रहे हैं, तो आपकी लड़ाई उसके लिए भी आगे जारी रहनी चाहिए थी, जिससे कि आगे वो नोटिस ना आए। दूसरी चीज, आपने उसमें नोटिस में लिखा था कि जिस मुद्दे पर लेकर, जिस पॉइंट पर हमारे पास नोटिस आया है, तो उसका जब हम जवाब दें ऑनलाइन, तो अधिकारी उस पॉइंट के अलावा हटके बात ना करें, हटके उस पॉइंट के अलावा किसी दूसरे बिंदु पर हमसे कोई कागजात जवाब ना मांगे, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा इसके लिए आने वाले वर्षों में 19, 20, 21, 22 के लिए हमारी लड़ाई जारी रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हमें ना लगे कि 17-18 में काम हो गया, आगे हमारे पास नोटिस नहीं है। दूसरी, 17-18 और 18-19 ये GST के शुरुआती वर्ष थे, इसमें बहुत सारी कमियां अधिकारियों के द्वारा भी रह गई, अधिवक्ताओं के द्वारा भी रह गई, और हम व्यापारियों के द्वारा भी मानवीय भूल की वजह से 40% की छूट मिल जाती है। उस छूट को वो पूरी तरीके से कुछ अपने पास मुनाफा रखकर उस माल को बाजार में सेल कर देते हैं, जिससे उनका माल अच्छे से बाजार में बिक जाता है। स्टॉक डेड हो गया या उसकी एक्सपायरी डेट नजदीक है, तो वो 40-50% या 60% रेटों का डिस्काउंट करके मॉलों में बेच देती है, वो उस पर बाजार से 30-40% छूट करके उस माल को बेच देती है। हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि दुकान पर अगर कोई माल एक्सपायर होने जा रहा है, तो बजाय हम पीछे कंपनी को रिटर्न करने के बजाय हम अपनी ये सोच रखते हैं कि उसको कंज्यूमर को बेचे। थोड़ी सी हमें अपने व्यापार में व्यवहारिकता लानी पड़ेगी। अगर हम अपने व्यापार के अंदर थोड़ी सी व्यवहारिकता लाएंगे, तो हो सकता है कि ऑनलाइन के प्रति जो आज का नया यंग ब्लड जो जागरूक है, वो हमारे व्यापार में हमसे दुकान पर माल परचेज करने के लिए आए। अब दूसरा, GST को लेकर अध्यक्ष जी, आप 50 से 100 बच्चों के साथ सर्वे किया, मैंने उनसे एक ही बार पूछी कि आप बाजार से सामान ना खरीद कर ऑनलाइन में क्यों खरीदना अच्छा समझते, तो ज्यादातर बच्चों का एक ही मत था कि हम आपकी की दुकान पर जाए, कोई चीज 2 से 3 बार आपसे पूछे, 4 बार पूछे 5 बार पूछे, तो आप घबराने लग जाएंगे। ऑनलाइन पर हम कोई भी चीज 10 बार देख सकते हैं, 15 बार देख सकते हैं, उसके बाद उसको खरीदते हैं, मंगाते हैं। अगर कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगी या उसकी क्वालिटी में कोई दिक्कत है, तो वहाँ एक रिटर्न पॉलिसी होती है, 15 दिन 20 दिन की या 8 दिन की, उसके अनुसार उसको वहाँ बदल दिया जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसको 8 दिन 15 दिन में पॉलिसी को रखें, उसको बदलें, लेकिन जो व्यापारी, जो कस्टमर हमारी दुकान पर आए, जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है, उनके पास कस्टमर दुकान पर आए, तो हमें व्यापार में थोड़ी सी व्यवहारिकता लानी चाहिए, जिससे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग से बच्चों का, जो नए नए नौजवान हैं, उन बच्चों का ध्यान हटे और वो हमारी दुकानों से माल खरीदने के लिए प्रेरित हो। सर्वप्रथम ऑनलाइन में मेरा यही कहना है कि क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां, आपने अभी बताया मैडम है, कंचन जी आ रहे हैं, किस बात को लेकर यहाँ पे बैठक हुई है, क्या आपका कहना है ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में? यहाँ उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल प्रतिनिधि मंडल की एक प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी, जिसमें यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसी को लेकर इसमें यहाँ विषय रखे गए थे, ऑनलाइन ट्रेडिंग का के व्यापार से जो प्रभावित हो रहा है व्यापार, इसके मुद्दे को लेकर, तथा ED को जो व्यापारियों से जोड़ा जा रहा है उसके मुद्दे को लेकर, अन्य समस्याओं को लेकर, और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का 3 वर्ष का चुनाव होता है वार्षिक, उसका निर्णय आज यहाँ होना था। तो बनवारी लाल कंचन जी अभी थोड़ी देर में पधारने वाले हैं और वहाँ यह निर्णय होगा। इसे मीटिंग जो चल रही है वो सभी की विचारधारा चल रही है, विचारों पर निर्णय लेने का कार्य चल रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का व्यापारी ऑनलाइन से काफ़ी त्रस्त है और कई वर्षों से ये इनका धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन इनका समाधान नहीं हो रहा है।
और व्यापारी काफी प्रभावित हो गया है, इसलिए यहाँ ठोस निर्णय लेने पर विचार किया जा रहा है। अभी रणनीति में आज पूरे विचार होने के बाद मीटिंग उपरांत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पधारेंगे और उस पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा। व्यापारियों के खुद के बच्चे अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं उसके लिए क्या रहेगा? उसके लिए भी हम रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग उसे व्यापार को रोकें और इस पर कोई ठोस निर्णय और कार्रवाई करें। अब आपका पसंदीदा चैनल टीवी 30 इंडिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्मों के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अपनी क्षेत्रीय खबरों के लिए आज ही डाउनलोड करें टीवी 30 इंडिया का एंड्रॉइड ऐप एवं जुड़े रहे टीवी 30 इंडिया के साथ।